अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुनाफा बनाना। ये रेसिपी एक्चुअल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बनाती हूँ तो बहुत मज़ेदार बनती है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है। कुनाफा की जो मेरे पास डो है वो नहीं है, तो मैं उसमें अपनी जो रेगुलर सवैयाँ आती हैं वो यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा रेकुटा चीज़ जो होती है उसके अलावा मैं उसके सब्स्टिट्यूट में अपने घर में जो चीज़ बनाते हैं वो बनाती हूँ। उससे दूध को लेकर गर्म करके उसको फाड़ के फिर मैं उसकी चीज़ बना लेती हूँ। ये एक पैकेट मैंने सेवइयां ली हैं, 4 टेबल स्पून ब्लू बैंड मार्जरीन लिया है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मुजरेला चीज़ ली है हाफ, उसको मैंने कट कर लिया है। ये 1 किलो दूध लिया है डेरी मिल्क का, और इसके अंदर मैं वाइट विनेगर 1 चम्मच डाल के, जब ये बॉईल होने लगेगा जब इसके अंदर डाल के इसको फाड़ के इसका वो चीज़ बना लूँगी। अब ये जो शुगर सिरप बनेगा उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1/2 कप पानी। शुगर सिरप में ये रोज़ वाटर भी डलेगा, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का, और लेमन जूस लिया है। लेमन को मैं कट करके उसका जूस ले लूँगी, 1 टेबल स्पून होगा। बादाम गार्निशिंग के लिए, आपके पास पिस्ते हो तो आप पिस्ते ले लें। क्रीम भी गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले मैं चीनी का शीरा बनाऊंगी, उसमें एक गिलास चीनी थी तो उसमें 1/2 गिलास पानी, रोज वाटर 2 टेबल स्पून, लेमन। ये दूध मैंने उबाल लिया है, जब इसमें खौल आने लगेगा तो आप इसमें चाहें तो 1 लीमू का रस काट के डाल दें, या फिर आप इसके अंदर सिरका डाल दें, वाइट सिरका, उससे भी फौरन जल्दी कट जाता है। ये देखें, ये पूरा अच्छे से फट गया है। अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल लूंगी। अब मैं इसको छान लूंगी। आप थोड़ा ठंडा होने के बाद कर लें, मुझे भी चाहिए। अब इसको मैं अच्छे से इसका पानी रिमूव कर दूंगी। ये इसको दबा दबा के इसका पानी अच्छे से निकाल दें। 1/2 घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर आराम से ये सारा इसका पानी निकल जाता है और ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी आपके यूज़ के लिए। अब इसको दबा के आप इस तरीके से रख दें। अब जब उसकी लेयर लगाऊंगी तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। अब ये मैंने जो रखा दिया था उसके अंदर मैं ये सेवइयां अच्छे से फ्राई कर लूँगी। केक पैन है, मैं इसको स्टीम दूंगी, तो इसके लिए मैंने इसके
सेवैयाँ जो हैं वो केक पैन के अंदर लगाऊंगी। पहले एक लेयर जो है वो हल्की सी आप सेवैयों की लगा लें। उसके बाद मैं ये जो हमने बनाई थी चीज उसकी मैं लेयर पे लगा दूंगी। अब थोड़ी सी मैं क्रीम इसमें इसके बाद ये मोज़रेला चीज की लेयर लगेगी, थोड़े से बादाम में इसके ऊपर, फिर वापस आप सेवैयों की लेयर लगा देंगे। मैं इसको स्टीम दे दूंगी 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको 5 टू 10 मिनट के लिए उसमें बेक कर लें। मेरे पास ओवन मौजूद नहीं है तो मैं इसके अंदर ये स्टैंड लगाऊंगी और उसके बाद ये रख के इसके बाद मैं इसके अंदर इसको ढक दूंगी और 15 मिनट्स के लिए मैं इसको सिर्फ भाप में पकाऊंगा। अब ये मैंने 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल थोड़ी सी क्रीम की गार्निशिंग कर लें। ये जो शीरा मैंने इसमें बनाया था वो अब आप अच्छे से